The New Bolero. एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझो, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझो, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की, आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात हो जाए जरा सजने संवरने की। त्योहार है तो स्पेशल तो लगना ही होता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के साथ बहनें अपने हाथों में मेहंदी भी लगवाती हैं। तो चलिए इस बार देखते हैं कि मेहंदी लगाने की तैयारियां मार्केट में कैसी चल रही हैं। राखी, एक ऐसा त्योहार, एक ऐसा बंधन जिसका कोई मोल नहीं, जिसका कोई तोल नहीं। ये तो ऐसा बंधन है जिसके बंधन में हर भाई बनना चाहता है और हर बहन उस बंधन में अपने भाई को बांधना चाहती है। साल में एक बार आने वाला त्योहार हर भाई बहन के लिए खास होता है। इस दिन का इंतजार हर भाई बहन को बेसब्री से रहता है। जहां एक तरफ बहन भाई के हाथों में प्यार का धागा बांधकर अपने रिश्ते को और मजबूत करती है, तो वहीं भाई अपनी बहन के लिए एक से एक नए गिफ्ट देकर उसे जीवन में खुश रहने का आशीर्वाद देता है। रक्षाबंधन के दिन जितना क्रेज बहनों को राखी बांधने का होता है, उतना ही क्रेज लड़कियों को हाथों में मेहंदी लगाने का भी होता है। अब भाई भाई के लिए भी बहनों का सजना सवरना जरूरी है। इस दिन का बहनें बहुत ही दिनों से इंतजार करती हैं। और इसी बहाने उन्हें अपने हाथों में मेहंदी लगाने का मौका भी मिल जाता है, ताकि उनके हाथ सजे सवरे दिखें और दिखें सबसे अलग, सबसे खास। इस प्यार भरे त्योहार में मेहंदी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। मेहंदी से सजे हाथ राखी बांधते हुए कुछ अलग ही नजर आते हैं। प्यार भरे इस रिश्ते में थोड़ी सी मेहंदी की खुशबू बिखेर दी जाए तो क्या बात, जो हर रिश्ते को बना देती है और भी खास। रक्षाबंधन की आते ही हर एक हाथों में मेहंदी रचने लगती है। राखी के इस खास मौके पर हर लड़कियां राखी के आने का इंतजार करती हैं और मेहंदी बनाती हैं इस खास मौके को और भी खास। राखियां बन गई, राखी के लिए थाली भी सज गई, गिफ्ट के ऑप्शंस भी पता चल गए और सजना सवरना भी हो गया। लेकिन सबसे जरूरी चीज तो अभी भी बाकी है भाई, राखी बांधकर भाई का मुंह भी तो मीठा कराना होता है, तो क्यों ना वो खास मीठा इस बार घर में ही बना लिया जाए। तो चलिए उसकी रेसिपी जानने के लिए चलते हैं सीधा हमारी कुकरी क्लास में। नमस्कार, मैं उमेश राणा, शेफ स्पाइस रेस्टोरेंट। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे शाही टुकड़ा। इसके लिए हमें चाहिए दूध, तेल या घी, चीनी, इलायची पाउडर और ब्रेड्स। चलिए अब हम बनाना शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जिसमें दो या दो तीन कप से ऊपर पानी डालेंगे। 200 ग्राम या 100 ग्राम चीनी हम डाल देते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। सबसे पहले जब तक ये चाशनी रेडी होती है, हम दूसरी तरफ अपने ब्रेड्स काट के उन्हें जो तलेंगे। तो हम अब आपके सामने तेल डालते हैं पैन में, इसको तलते हैं जब तक चाशनी तैयार हो जाती है।
अब हम इसमें डाल देते हैं ब्रेड के टुकड़े जो कटे हुए हैं, इनको तब तक तलते रहेंगे जब तक ये ब्राउन कलर के ना हो जाए, गोल्डन कलर के, पलटाते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे। लेकिन ये सारे पीसेज टिश्यू पेपर पे लगाने पड़ेंगे ताकि ऑयल ना रहे इन पे। हमने ब्रेड तल दिए हैं, अब हम बनाने जा रहे हैं सॉस जो आपके सामने अभी बताया था कि हमारे दूध में ब्रेड डिप है, उसको आप किस प्रकार से सॉस के वो करना है मैं आप भी अभी आपके सामने बता रहा हूँ। ये हमने पैन में डाल दिया और इसको तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये दूध के साथ बिल्कुल मैश नहीं हो जाता है। वन स्पून या इस प्रकार से खोया डालेंगे और इस जो हमारी जो डीप ब्रेड है उसके साथ बराबर मैश करते रहेंगे। अब हमारी सॉस बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट हो चुकी है, अब हमारी चाशनी भी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ब्रेड जो पीस है हमारे ब्राउन कलर के उनको डीप करेंगे। हमारी चाशनी में जो ब्रेड के टुकड़े डीप हैं उनको सर्व करेंगे धीरे से उठाकर प्लेट में। सारा टुकड़ा चाशनी से डीप होके बाहर निकल चुका है, इसको हम हमारी सॉस ऑलरेडी पहले से रेडी हो चुकी है, इस टुकड़े को हम किस तरीके से सॉस के साथ मैश करेंगे उसको लगाने की विधि आपको बता देता हूँ। अब ये आपका शाही टुकड़ा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, आप भी खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए। तो बड़ी ही आसान है भाई, मैं तो अपने भाई को यही स्वीट डिश खिलाने वाली हूँ, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हमने आपके रक्षाबंधन के लिए तो सभी तैयारियां करा दी हैं, उम्मीद है कि ये रक्षाबंधन आपके और आपके भाई के बीच बेहद मिठास लेकर आएगा। तो फिर आज के राखी स्पेशल में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय। इन नैनों में कजरा न भाए आज, बहुत हुई है ये आंख मिचोली, बहुत हुई है ये आंख मिचोली, आज खेलूंगी मैं रस की होली, खेलूं की मैं रस की होली। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की, आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम, एट क्वांटम, एट क्वांटम, क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे
दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मेरा नाम शबाना आजमी है और मैं समाचार प्लस को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बेस्ट विशेज हैं समाचार प्लस को और आप बड़ा अच्छा समाचार देते रहें, ये दुआ है और लोग सुनते रहें आपका समाचार। समाचार प्लस के दर्शकों को मेरा सलाम प्रणाम नमस्कार। समाचार प्लस को चाहने वालों को टॉम ऑल्टर की जानिब से आदाब और नमस्कार। मैं विक्रम भट्ट समाचार प्लस को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बेस्ट विशेज टू समाचार प्लस। नमस्कार, मैं हूँ नेहा दुबे और मैं समाचार चैनल को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हेलो समाचार प्लस, मेरे बेस्ट विशेष समाचार के लिए। थैंक यू। बेस्ट विशेष टू समाचार प्लस। बेस्ट विशेष टू समाचार प्लस। समाचार प्लस के सारे दर्शकों को मेरे बेस्ट विशेष। बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ समाचार प्लस को, खबर वही जो हमने कही। हाय, मैं हूँ राखी सावंत और आप देखते रहिए समाचार प्लस। मैं समाचार प्लस को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, खबर वही जो हमने कही। ऑल द बेस्ट। देखते रहिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। 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 खबर वही जो समाचार प्लस ने कही। एंड प्लीज कीप वॉचिंग समाचार प्लस। खबर वही जो हमने कही। देखते रहिए समाचार प्लस। Starboard burning furiously.